हार्ड रॉक की एक बात बता दूँ, ये एकदम कैलन बूट के अंदर एकदम सेंटर पे जो है लोकेटेड है। मगर फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप बात करोगे तो लास्ट टाइम जब मैं कैंडोलिम में रुका था तो वो कैंडोलिम के जो बाहर का एरिया है वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब ज़्यादा लाइवली है एज़ कम्पेयर टू जो हार्ड रॉक के बाहर का जो ये कैलनगुट का रोड है ना वहाँ पे। तो अगर आप होटल्स की बात करेंगे, चॉइसेस की बात करेंगे, तो ऑफकोर्स कैंडोलिम साइड जो है वो ज़्यादा बेटर चॉइसेस थी मेरे हिसाब से। तो आपको मैं ये एक वॉक थ्रू दिखा रहा हूँ कैसे हार्ड रॉक होटल में एंट्री होती है एंड इसका रिसेप्शन एरिया कैसा दिखता है, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। एंट्री करते ही सबसे पहले जो हार्ड रॉक होटल का लोगो है वो नज़र में आता है, और फिर ये रूम अमेजिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉक शॉप है, इस पे जाएंगे हम थोड़ी देर के बाद। फिलहाल तो आप बाकी सब देखिए, जो इस रिसेप्शन एरिया की ब्यूटी जो है, इट इज़ अ गुड एम्बियंस, स्पेशली जो म्यूज़िक प्ले होती रहती है बिकॉज इट इज़ हार्ड रॉक, तो उस हिसाब से। तो ये है रॉक शॉप एंड ओवर यू कैन सी द अमेजिंग बाइक। सो अगर आपने कोई शॉपिंग करनी है या एक मोमेंटो लेके जाना है तो आप इस शॉप से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्ड रॉक ब्रांडेड आपको सब कुछ मिलेगा, टी शर्ट्स मिलेंगी और बाकी सारे अपैरल्स मिलेंगे। ये है ट्रेडमार्क यहाँ का, जो हार्ड रॉक का सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पे आपकी बहुत ज़बरदस्त फ़ोटोज़ आने वाली हैं, चाहे दिन में हो या रात में हो। रात में तो इसका नज़ारा ही कुछ अलग होता है। एंड अगर आप देखें इस लॉबी की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस है, और ये जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी यूनिक है। ये देखिए, अभी चेक इन का टाइम हो रहा है तो लोग आ रहे हैं, एंड इट्स अराउंड 2:33 इन द आफ्टरनून, तो बाहर गर्मी भी बहुत है। तो ये यहाँ का बार है एंड ये एकदम स्विमिंग पूल के सामने लोकेटेड है, एंड दिस इज़ बेसिकली द बेस्ट प्लेस एट हार्ड रॉक गोवा। और मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा सीट है वो यहाँ पे लोकेटेड है, मगर जो व्यू है वो स्विमिंग पूल की नहीं है, ऑपोजिट साइड की है। और वहाँ पीछे जो है, यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट होता है एंड ठीक ठाक स्प्रेड है, थोड़ा रश होता है। अभी हम वहाँ पे जाएंगे पहले देखने के लिए। व्हाट यू वांट मेरा? अच्छा। जो रूम हमने बुक किया था उसकी एम्बियंस थोड़ी सी डार्क थी, मगर जो एसी है इस रूम का वो रात को ख़राब हो गया था। तो जब हमने मैनेजमेंट को कंप्लेन की तो अगले दिन दे वर कर्टियस इनफ टू शिफ्ट अस टू अ स्वीट। तो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि जो स्वीट है वो काफ़ी ज़्यादा वेल लिट है। ऑफ कोर्स ये दिन का टाइम है, मगर फिर भी एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड रूम इसकी जो लाइटिंग है वो काफ़ी बेटर है, क्योंकि ये स्वीट है तो स्पेशियस बहुत है। ये यहाँ पे रूम भी आप देखो तो काफ़ी बड़ा है, एंड बाहर से जो लाइट आ रही है, जो सनलाइट आ रही है, वो भी इस रूम को काफ़ी अच्छे तरीके से लाइटिन कर रही है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस रूम।
अगर आप वॉशरूम भी देखो तो इट इज़ अ फुल फ्लेज सुइट, तो यहाँ पे बाथटब भी है, बेदिंग एरिया भी है, एंड इट इज़ क्वाइट हाइजीनिक ऑफ कोर्स। सेशंस के अंदर होता है ब्रेकफास्ट बेसिकली। अभी तो यहाँ पे थोड़ी सी शांति है, सुबह यहाँ पे पूरा चोको ब्लॉक था एंड इवन बाहर की सीटें जो है वो पूरी भरी हुई थी। चलिए देखते हैं अंदर एम्बियंस। वॉल सर्व और आई वोंट बी अ रॉक स्टार, आई विल बी अ लेजेंड, फ्रेडी मर्क्यूरी। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से रॉक स्पा है। यस, सो दिस इज द रॉक स्पा हियर। हाँ, हॉर्ड रॉक हिंदी में भी लिखा है। ओ, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। यहाँ की वाइब एकदम सरीन और कामिंग लग रही है। ऑफ कोर्स इट इज सपोज टू बी। सो दिस इज़ द रूम जहाँ पे मसाज होती है। सो यहाँ पे जो मसाजेस का एवरेज प्राइस है वो अराउंड 3000, 3700 है। जैसे स्वीडिश मसाज का वो 60 मिनट का टैरिफ बोल रहा हूँ मैं, तो लगभग उसके हिसाब से, प्लस उसके ऊपर GST भी लगेगा एंड सर्विसेज का चार्ज भी लगेगा। तो टोटल आपको अराउंड से 4500, 5000 ऑन एन एवरेज आपको पड़ेगा फॉर 1 आवर। उसी शाम हमने देखा ये आलीशान परफॉर्मेंस। अगर आपको इसका फुल वीडियो देखना है तो आप गोवा सीरीज़ की प्लेलिस्ट के सबसे फर्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हमने कैंडलम में की थी वो सब दिखाई गई हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि रात को हार्ड रॉक का जो लोगो है उसका नज़ारा ही अलग होता है, आप खुद देख सकते हैं। वो हो गया मूवमेंट, मूवमेंट ऐसा है। हाँ, इधर देखो, इधर देखो। अच्छा, ये ओपन कर दो। सो इट वॉज अ प्लेजेंट स्टे एट द हार्ड रॉक होटल इन गोवा। मोर और लेस जो एक एक्सपीरियंस होता है वो तो बहुत अच्छा रहा है, मगर प्रोस के साथ थोड़े कॉन्स भी हैं जो हर जगह होते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन आई वुड लाइक टू डेफिनेटली से कि यहाँ के जो लोग हैं, स्टाफ है, दे आर वेरी कर्टियस, स्पेशली ब्रेकफास्ट के टाइम पे। मंजू एंड साहिब ये दोनों जो है बहुत कर्टियस थे। उन्होंने मतलब हर चीज़, हमारे साथ बच्चा है उस चीज़ को एक्नॉलेज किया और हमें बहुत सपोर्ट किया ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट आवर्स। एंड देन गेस्ट रिलेशन से मिताली एंड विला था, दे बोथ वर वेरी कर्टियस ऑल्सो। एंड ओवरऑल देखा जाए तो एवरी वन एट हार्ड रॉक इज़ वेरी गुड। वेलकम ड्रिंक हमें मिला नहीं था बिकॉज हम बहुत लेट चेक इन किए थे, मगर चेक आउट के टाइम वेलकम ड्रिंक हम पी रहे हैं। इट इज़ ट्रूली वेरी हॉट इन गोवा। सो जैसे मैं कह रहा था कि प्रोस तो बहुत सारे हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। जैसे कि अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो जो ये नॉर्मल रूम है इनका,
वो थोड़ा सा लाइटिंग के अंदर उसमें हमें थोड़े से ऐसा लगा कि बच्चा जो है थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर जब उन्होंने स्वीट में अपग्रेड किया हमको तो दैट रूम वॉज वेरी नाइस एंड कमेंडेबल, बिकॉज वो जो है स्विमिंग पूल के पास में ही है। तो अगर आप हार्ड रॉक में सोच रहे हो रूम लेने का तो वो स्वीट रूम लीजिए। नॉर्मल रूम भी अच्छे हैं लेकिन स्वीट इज़ बेटर देन ऑफकोर्स, उसकी फैसिलिटीज़ और जो एक एक्सपीरियंस है वो प्रीमियम ही रहता है। एंड वी ऑल्सो थैंक हार्ड रॉक कि उन्होंने हमको अपग्रेड किया फ्रॉम नॉर्मल रूम टू स्वीट्स, बिकॉज एसी चल नहीं रहा था रात को और मेहरांज को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक्चुअली जो अपग्रेड है उसने मेहरांज के बर्थडे में 4 चांद लगा दिए, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। एंड ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो जो इनके कंट्रोल में भी नहीं है, जैसे एक तो लाइटिंग है, लाइट जा रही है बार बार ये एरिया में। तो जब मैंने पूछा तो ये नॉर्मल एरिया जो कैलंगुट है इसमें यही प्रॉब्लम चल रही है, तो आई डोंट थिंक सो मच दे कैन डू अपार्ट फ्रॉम द जनरेटर, जो जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ये लोग जनरेट करते हैं। मगर इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है ना, पानी जो है आना जाना उसके अंदर वो स्लो हो जाता है, तो कभी कभार कुछ चीज़ों के लिए डिले भी हो जाता है, जैसे कि तैयार होकर जाना है तो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ता है। जो इनका ब्रेकफास्ट का स्प्रेड है वो जो है डिसेंट है, एंड देखा जाए तो कुछ चीज़ें जो है बहुत टेस्टी है, जैसे कि डोसा जो था एकदम टेस्टी था, ऑमलेट टेस्टी था, एंड बाकी जो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इडली इनकी बेटर हो सकती है, एंड क्योंकि मेहरांज जो है मेहरांज को इडली पसंद है, तो वो जब वो खाता है नॉर्मली तो इडली पूरी खा जाता है, मगर इस बार वो छोड़ रहा था बिकॉज इडली थोड़ी सी हार्ड थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सो अगर मैं आपको 4 दिन रहने मिल रहा है हार्ड रॉक में फॉर एन अमाउंट ऑफ 29K, तो आई थिंक सो इट इज़ वर्थ इट। बुबू रेडी टू चेक आउट? चेकआउट तो हो गया, रेडी टू गो?